तो आज की क्लास में हम सीखेंगे थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम एक काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो फिजिक्स में कई जगह पर काम आता है और कई चीजों में लॉग की जरूरत पड़ती है। शायद आपने नाम सुना हो या हो सकता है ना सुना हो। एक्चुअली पहले काफी ज्यादा जरूरत पड़ती थी लॉगरिथम या लॉगरिथमिक टेबल्स की। जब से साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आए हैं तो आजकल कैलकुलेटर से काम हो जाता है, नहीं तो कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग का यूज होता था। तो हमारे टाइम में जब हम ने आईआईटी का एग्जाम दिया तो वहां पे लॉग टेबल की बुकलेट भी मिलती थी, जिससे हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को लॉग की मदद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, बाकी आजकल तो लॉग जनरली शायद स्कूल के तो सिलेबस में ही नहीं रहता है, फिर भी हमें लॉगरिथम आना चाहिए, फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। तो समझते हैं लॉगरिथम के बारे में थोड़ा सा। भाई को जानता है लॉगरिथम के बारे में कुछ? नहीं सर। नहीं। ओके, लॉगरिथम क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो लॉगरिथम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो डिटरमाइन करता है कि किसी नंबर को कितनी बार उससे खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा नंबर मिल जाए। मतलब एक तरीके से पावर को रिप्रेजेंट करता है कि किसी नंबर की क्या पावर हो कोई नंबर पाने के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है लॉग। तो बेसिकली उस चीज को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट बोलते हैं। से टू की पावर समथिंग इज इक्वल टू, टू की पावर थ्री इज इक्वल टू एट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। तो इसी का एक इनवर्स टाइप का ऑपरेशन है जिसको लॉगरिथम बोला जाता है। ठीक है, तो जो नंबर है उसको हम बेस बोल देते हैं, तो बेस को कितनी बार उससे खुद से ही मल्टीप्लाई करें कि हमें कोई नंबर मिल जाए वो नंबर कहलाता है जिसका हम लॉग लेते हैं। आगे समझ आएगा जब हम नोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम जो है ये इन्वेंट हुए थे 17th सेंचुरी में कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर। ठीक है, उन्होंने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था और इसका वर्ड पड़ा एक्चुअली रेशो को ग्रीक में लोगोस बोला जाता है और नंबर्स को एरिथमोस बोला जाता है, तो यहां से उसका नाम लॉगरिथम करके पड़ गया। ठीक है, एंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल एंड लेटर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स लॉगरिथम्स वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सिंप्लीफाइंग कंप्यूटेशंस फाउंड इन एस्ट्रोनॉमी नेविगेशन सर्वेइंग एंड लेटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहले जब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं थे या मैकेनिकल कैलकुलेटर्स जिससे लॉग को कैलकुलेट किया जा सकता है तो इनका काफी ज्यादा यूज होता था। आप भी शायद देखेंगे जो आज बुक्स रहती हैं कुछ में उसके पीछे लॉगरिथमिक टेबल्स दिए होते हैं, तो लॉगरिथमिक टेबल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, जो थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं नॉर्मली हम उसको अवॉइड करते हैं या कैलकुलेटर यूज करते हैं करने के लिए, उनको लॉगरिथमिक टेबल की मदद से आसान तरीके से या कम मेहनत से किया जा सकता था। अभी भी किया जा सकता है लेकिन अब इतनी जरूरत उसकी नहीं पड़ती है। अब जैसे इसको हम समझने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल से, जैसे एक फोल्डिंग पेपर का हम एग्जाम्पल लें, तो लॉगरिथम कैरेक्टराइज हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर टू गेट 64 लेयर्स। तो अगर हमें पेपर को फोल्ड करके 64 लेयर्स प्राप्त करनी है तो कितनी बार पेपर को फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरी टाइम यू फोल्ड द पेपर इन हाफ द नंबर ऑफ लेयर्स डबल्स। अगर मैं पेपर को एक बार फोल्ड करूंगा तो 2 लेयर बनेंगी, एक और बार करूंगा तो 4 डबल हो जाएंगी, तो हर बार जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो डबल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली स्पीकिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इज 64। तो देखो पहली बार 2 लेयर्स थी उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, एक और बार फोल्ड करेंगे तो into 2 8 लेयर्स बन जाएंगी। तो इस तरह से 2 को जो है अपने आप खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें 64 जो है लेयर्स मिल जाए, तो हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशन आर नेसेसरी, दिस इक्वेशन इज रिटन एज, इसी को लॉग की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि लॉग हमें क्या चाहिए 64। ठीक है, बेस जो है ये जो नीचे लिखा होता है स्मॉल में इसको बेस बोला जाता है लॉग का,
तो लॉग का बेस है 2, 64 इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये है कि 2 को कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए, ये नंबर एक्स क्या बता रहा है कि कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 64 मिल जाए। वैसे कोई बताएगा 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे 64 मिलेगा? 6 times. हाँ, वेरी गुड, तो आंसर इसका आ जाएगा एक तरीके से 6। ठीक है, तो लॉगरिथम कैन बी थॉट ऑफ एज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, सो द अबव इक्वेशन हैज द सेम मीनिंग एज 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 64। तो बेसिकली ये लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन हमें समझनी है कि लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, वो क्या चीज बता रहा है। तो इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, मतलब कन्वर्स भी बोल सकते हैं इसका, कि अगर 2 की पावर x 64 है तो इसको ऐसे लिखा जाता है log 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, मतलब 2 की पावर x किसके बराबर आना चाहिए, 64 के बराबर। एंड सिंस हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, दैट मींस 2 की पावर 6 64 होती, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मींस इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन हाफ 6 टाइम्स इट विल हैव 64 लेयर्स। अगर मैं पेपर को कितनी बार, 6 बार फोल्ड करूंगा, पहले किया एक बार, फिर उसको दोबारा किया, ऐसे 6 बार फोल्ड करूंगा तो मुझे 64 लेयर्स या 64 पीसेस मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसको ये लॉग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने का हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द बेस 2 लॉगरिथम ऑफ 64 इज 6, इसको बोला क्या जाता है, बेस 2 लॉगरिथम ऑफ 64 इज 6, मतलब ये जो x की वैल्यू 6 के बराबर आ गई, तो दिस इज मींस सेड लाइक, मतलब ऐसे बोला जाएगा, हम अगर प्रोनाउंस करेंगे क्या बोला जाए, तो बेस 2 लॉगरिथम ऑफ 64, मतलब 64 का हम लॉग ले रहे हैं जिसका बेस कितना है 2, तो वो आ जाएगा 6। अच्छा, अगर मैं बेस को 4 कर देता मान लो तो क्या आंसर आ जाता, अगर मैं नीचे 2 की जगह 4 कर देता तो व्हाट विल बी द आंसर, 3। उसका मतलब क्या होता, 4 को मैं खुद से 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करता कि 64 आ जाता, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आ जाता। ठीक है, तो ये बेस का इस तरह से मतलब है। तो ये लॉगरिथम की बेसिक जो नोटेशन है उसको थोड़ा सा समझना है, आगे हम दोबारा और समझाएंगे इसको, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम एक्चुअली। नाउ लॉगरिथम ऑन अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो देखो एक्चुअली बेस कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5, लेकिन कॉमनली जो बेस यूज किया जाता है वो 10। तो जो कैलकुलेटर में जब हम लॉग निकालते हैं तो उसमें कॉमन बेस 10 मान के चलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ओनली कैलकुलेट लॉगरिथम्स इन बेस 10 रिटन एज लॉग एक्स। जब हम सिर्फ लॉग एक्स लिखते हैं तो जनरली उसमें ये इंप्लाइड होता है कि इसका बेस हम कितना मान के चल रहे हैं, 10 मान के चल रहे हैं फॉर कॉमन लॉगरिथम। और एक और बेस होता है ई, ई होता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ई जो है तो इसको भी बेस की तरह मानते हैं, और इसको बेस की तरह मानते हैं वहां पर लिखा जाता है ln x, मतलब अगर लॉग का बेस ई है दैट इज कॉल्ड ln x, मतलब नेचुरल लॉग बोला जाता है इसको। एक्चुअली ln जो है ये वही बता रहा है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, उल्टा आ रहा है, बाकी जैसे इसमें फ्रेंच वगैरह में ऐसा होता है ना लॉगरिथम में नेचुरल इस तरीके से करके, तो उस तरह से नाम ln बना दिया गया है। तो जो नेचुरल लॉगरिथम है, तो नेचुरल लॉगरिथम किसको बोला जाता है, लॉग का बेस जिसमें e होता है। अभी आगे हम इसको और थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट इसका समझेंगे, जस्ट थोड़ा सा कि ओवरव्यू की होता क्या है लॉग, पहले हमें पता तो चले कि लॉग क्या है, कहां से आया। ठीक है, द नंबर ई विच इक्वल्स अबाउट, ई जो है ये मैथ में तुम्हें काफी काम आएगा, फिजिक्स में भी कई जगह काम आता है। ई जो है ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828 और आगे चलता जाता है, एक इरेशनल नंबर है जैसे पाई होता है। जैसे पाई क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, वैसे ई भी एक ऐसे इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ डेसिमल स्ट्रेचिंग टू इंफिनिटी। तो arising naturally out of the development of logarithms and calculus, it is known both as Napier's constant. जैसे logarithm जो है आपने देखा था, Napier's ने उसको invent किया था, और बाद में calculus में भी e का काफी use होता है। तो इसको दो नाम से, या तो Napier's constant से भी बोला जाता है इस e को, या Euler's number भी बोला जाता है इसको।
ठीक है, आफ्टर लियोनार्ड यूलर, अ स्विस मैथमेटिशियन हु एडवांस्ड द टॉपिक अ सेंचुरी लेटर। तो ये थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक हिस्ट्री टाइप की थोड़ी सी पता होनी चाहिए क्या होता है लॉग, कैसे उसको यूज किया जाता है। अब हम उसको देखेंगे थोड़ा सा, मतलब हमारे किस तरह से काम आएगा एज ए कैलकुलेशन वाइज, या किस तरह के कॉन्सेप्ट्स लॉग में हमें यूज करने पड़ते हैं। तो अब हम लॉगरिथम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब क्या है, अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है, तो लॉग क्या कहता है कि बेसिकली n हमें मिलेगा a की पावर x से, तो इसको ऐसे लिखा जाता है log n टू दी बेस a इज इक्वल टू x। ये नोटेशन हमें थोड़ा सा याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर a की पावर x n के बराबर है, तो log n टू दी बेस a किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो log 8 का बेस अगर 2 है तो आंसर कितना आएगा, 3। अब वो बेस पे भी डिपेंड करेगा ऐसी, ठीक है। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, जैसे हमने देखा a की पावर x इज इक्वल टू n है, तो उसको log की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी log की फॉर्म दी है तो उसको पावर की टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ log b टू दी बेस a इज इक्वल टू c, तो b किसके बराबर आ जाएगा, a टू दी पावर्स, गुड। Then a to the power c is equal to b। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, log 125 to the base 5 is equal to 3 है, इसका मतलब यह है कि 5 की पावर 3 125 के बराबर होती है, और होती है, मतलब एक्चुअली ये आंसर 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि 5 की पावर 3 125 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये नोटेशन क्लियर हुई log का मतलब क्या होता है, कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि पावर से कैसे उसको रिलेट किया जा सकता है। जैसे चलो मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं आपसे, मान लो ये अगर लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, log 81 टू दी बेस 3 किसके बराबर होना चाहिए, 6 4 4। क्यों, क्योंकि जो 3 की पावर 4 है ये 81 के बराबर होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको 4 के बराबर होना पड़ेगा। चलो ऐसे ही मान लो, ये किसके बराबर होगा, log 100 टू दी बेस 10 2। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि 10 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है, वेरी। तो ये चीज बस हमें ध्यान में रखनी है, और फिर उसके आगे लॉग की कुछ और प्रॉपर्टीज होती है उनको हम देखेंगे, लेकिन बेसिक मतलब अगर लॉग कहीं पे आ रहा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका क्या मतलब। रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स, अब हम कुछ रूल्स की बात करेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखने, कई जगह काम आ जाते हैं। तो log 1 टू दी बेस a, a इज एनी नंबर, मतलब log 1 टू एनी बेस इज 0, क्यों, why, मतलब हम ये कह रहे हैं यहां पे log 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस हो, 1 2 3, क्योंकि कोई भी नंबर की पावर 0 1 होती है, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर ले ले हम a b c d, मतलब 1 2 3 4, उसकी पावर 0 तो हमेशा 1 ही देगा ना, इसलिए log 1 हमेशा 0 आएगा, चाहे बेस में हम कुछ भी ले, ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर हमेशा 1 के बराबर, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर आती है, इसलिए log 1 टू द बेस एनी नंबर, ए मींस एनी नंबर, जनरल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, वो 0 के बराबर आएगा। लॉग
ए टू दी बेस ए इज ऑलवेज वन, ए भी कोई भी नंबर है, ठीक है, ए भी सिंपल है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर वन करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा, मतलब कोई भी नंबर लॉग टू दी बेस टू करोगे तो वन आएगा, लॉग फाइव टू दी बेस फाइव करोगे तो भी वन आएगा, क्यों, क्योंकि फाइव की पावर वन इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, तो लॉग वन हमेशा जीरो होता है, लॉग ए टू दी बेस ए मतलब सेम नंबर और सेम बेस वो भी किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा। अच्छा अगर लॉग में मल्टीप्लीकेशन होता है लॉग एम इंटू एन तो ये किसके बराबर होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन विद द सेम बेस, ठीक है, अगर बेस ए है और एम इंटू एन दो चीजों का प्रोडक्ट है तो दिस इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन के बराबर ये होगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, यहाँ पे लॉग में क्या आता है, एडिशन का साइन आ जाता है अगर हम उसको सेपरेट करते हैं। ऐसी अगर रेशो है लॉग एम अपॉन एम तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये किसके बराबर आता है, लॉग एम माइनस लॉग एम, बेस सेम रहेगा, जो बेस यहां पर है वही बेस जैसे ए, तो मतलब क्या है ये हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो लॉग टू, वैसे देखो जनरली ये टू थ्री अभी हम यूज कर रहे हैं कॉमनली खासकर फिजिक्स में तो हमें ये टू थ्री की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर, लॉग क्या होगा बेस टेन होगा या ई होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हम बात करें लॉग टू टू दी बेस मतलब टू दी ऐसा दे दिया हमें फिफ्टीन दे दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग टू फिफ्टीन को हम फाइव इंटू थ्री लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग टू टू दी बेस फाइव प्लस मतलब लॉग फाइव टू दी बेस टू प्लस लॉग थ्री टू दी बेस टू, ऐसे डिवीजन वाला क्या है जैसे लॉग टू या टू की बजाय टेन ले लो, कोई भी ऐसा नहीं तुमको लगे कि टेन टू ही होता है बेस, कुछ भी हो सकता है, तो और कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब बेस टेन ही होता है, ठीक है, तो लॉग ले लें सपोज हमको लेना है 5.5 तो हम इसको बोल सकते हैं लॉग टेन, 5.5 को हम बोल सकते हैं 11/2 which is equal to log 11 to the base 10 minus log 2 to the base 10, इस तरह से इसको लिख सकते हैं और अगर इनकी वैल्यूज हमें पता है तो हम फिर उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये है log m raised to the power n to the base a तो इस पावर को हम क्या ला सकते हैं, सामने लेके आ सकते हैं log के, इसको लिख सकते हैं n log m के बराबर, ठीक है, log m की पावर अगर n है मतलब बेस जनरली हम, ठीक है ना, जो भी है बेस वो सेम बेस यहां पे आ रहेगा, तो log हम ऐसे बोलते हैं log m raised to the power n है, इट कैन बी रिटन एज n log m, n बाहर आ गया और ऐसे log m हम इसमें लिख देंगे। अच्छा एक और चीज अगर हमें बेस चेंज करना है कई बार, जैसे मान लो log m to the base a, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m अपॉन लॉग ए और बेस को चेंज कर सकते हैं, क्या मतलब है, तो इन दोनों को मैं समझाता हूं, तो जैसे मान लो लॉग कुछ नहीं लिखा तो 10 होता उसका मतलब, तो लॉग जैसे लिखा है 10 की पावर 2 तो इट कैन बी रिटन एज 2 लॉग 10। अच्छा लॉग 10 किसके बराबर होगा, अगर कुछ नहीं लिखा होता लॉग का बेस 10 है log 10 to the base 10 किसके बराबर होगा, 1 के ना, अभी जैसे हमने देखा log same number to the base same number is 1 तो ये log 1 के बराबर हो गया, तो ये आ गया actually 2 into 1 so this is equal to 2 तो log 10 raised to the power 2 यानी कि log 100 भी बोल सकते हैं इसको, किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। ऐसी अगर मान लो जैसे जनरली हमें क्या होता है जो log टेबल भी दी होती है वो log की फॉर्म में दी होती है जिसमें बेस 10 होता है, अब कोई तुमसे ये पूछ ले log 5 टू दी बेस 2 अब हमको वैल्यू किसकी पता है, मान लो log जिसका बेस 10 होता है तो हम क्या कर सकते हैं बेस को बदल सकते हैं यहां पर, कैसे, हम इसको लिख सकते हैं log 5 by log 2 मतलब ये 5 ऊपर और बेस वाली चीज नीचे और ये हो जाएगा बेस ऐसे 10। अब हम अगर हमें log 5 की वैल्यू पता है फॉर बेस 10, log 2 की पता है फॉर बेस 10 तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, log 5 टू दी बेस 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हमें हेल्प करती है, अगर हमें log जिसमें बेस 10 के लिए वैल्यूज पता है और बेस कुछ और दे दिया
तो हम उसको इस फॉर्म में लिखकर रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं या वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, ये हमें ध्यान रखनी है, ये यूज होगा। एक मिनट, क्या बोलो श्रीराम, दोबारा बोलो भैया, सिक्स्थ वाला तो सिक्स वाला लॉग क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास लॉग एम टू दी बेस ए है तो हम इसमें बेस को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम टू एनी न्यू बेस, ये बी कोई भी बेस हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है। हाँ, आप हमारे ऊपर, हमको जो रखना है। तो हमें क्या होता है, जनरली लॉग टेन के लिए पता होती है, बेस टेन के लिए चीजें पता होती है, हम उसको 10 रख सकते हैं। अगर किसी को 10 नहीं रखना है तो 3 रखना है 3 रख सकता है, 4 रखना है 4 रख सकता है, ठीक है, इसको 4 रखना है, 5 रखना है 5 भी रख सकते हो, जो रखना है वो रख सकते हो, मतलब बस कॉमन बेस रखना है। तो ये बेस यहां आ जाएगा, ये बेस इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अभी हम इसको 10 ही कर देते हैं क्योंकि कॉमनली हमको 10 लेके ही यूज करना है। अच्छा, दो कॉमन जो लॉग बेसिस होते हैं लॉग में, जैसा अभी हमने देखा था, एक कॉमन बेस क्या होता है 10, एक e, तो उसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो जनरली अब देखो, कहीं पर भी जब हम आगे बढ़ेंगे मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, तो बेस जनरली नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिख देते हैं log 5, log 6, log 10 ऐसे लिखा रहता है। तो अगर कुछ बेस नहीं लिखा है तो उसका मतलब है बेस कितना है, 10 है। तो जनरली जब हम बेस नहीं स्पेसिफाई करते हैं दैट मींस बेस इज 10। ठीक है, तो इफ अ लॉग हैज नो बेस रिटर्न, यू शुड जनरली इन एलजेब्रा क्लासेस एज्यूम दैट बेस इज 10। तो जनरली जब हम लॉग की बात करते हैं और कोई बेस नहीं लिखा है तो हम बेस को क्या एज्यूम करेंगे, 10 एज्यूम करेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पीएच द मेजर ऑफ अ सब्सटेंस, एसिडिटी और एल्केलाइनिटी, डेसिबल्स द मेजर ऑफ साउंड इंटेंसिटी, द रिक्टर स्केल द मेजर ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी, ऑल इन्वॉल्व बेस 10 लॉग्स। ये सब क्या होते हैं, लॉगरिथमिक स्केल होते हैं, पीएच स्केल हो गया, डेसिबल स्केल हो गया, रिक्टर स्केल हो गया, ये सब लॉगरिथमिक स्केल होते हैं जिसमें लॉग लिया जाता है, उसमें बेस किसको रखा जाता है, 10 को रखा जाता है। इससे पीएच आपने पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में, एसिडिटी बेसिसिटी के लिए, है ना, एसिड्स क्या होते हैं जिनका पीएच कितना होता है, 7 से कम। ठीक है ना, बेसिस का 7 से ज्यादा इस तरह से। ठीक है, बाकी साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए डेसिबल स्केल यूज किया जाता है, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, और रिश्टर स्केल अर्थक्वेक इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी एज ए इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। कई बार न्यूज में आता है कि इतने रिश्टर स्केल पे ये भूकंप 5.5 था, 7 था, तो वो उसकी जो तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है, उसको बताता है, तो वो भी एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। फिर दूसरा जो कॉमन बेस होता है वो होता है ई। अब इसको फिजिक्स में खासकर या मैथ्स में भी सेपरेटली लिखने के लिए एक नोटेशन बना देती है ln। ठीक है ना, जनरली लॉग लिखा है तो क्या होता है, बेस को लिखना अवॉइड करते हैं हम लोग, तो हम क्या बोलते हैं सीधे, अगर log x लिखा है मतलब log x टू दी बेस 10 है। अब अगर बेस e लिखना है तो उसको ऐसे लिखने की बजाय log x, क्योंकि कुछ नहीं लिखेंगे तो बेस 10 समझ आता है, तो e लगाने की बजाय उसके लिए एक नई नोटेशन बना दी ln। ln मींस नेचुरल लॉगरिथम, तो ये e एक, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है यहां पे, तो उसके हिसाब से, मतलब जो कॉमनली हमारी डे टू डे लाइफ से निकल के आया इस तरह से, तो इस तरह से इसको ln x ये नोटेशन लिख दी जाती है। तो फिजिक्स में ये नोटेशन भी काफी जगह पे यूज होगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो द अदर इंपॉर्टेंट लॉग इज द नेचुरल और बेस e लॉग, डिनोटेड एज ln x, यूजुअली प्रोनाउंस्ड एज ln, ln ऑफ x, just as the number e arises naturally in math and the sciences, so also does the natural log, which is why you need to be familiar with it. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, दो notations की, ln x का मतलब क्या है, log का बेस क्या है, e की वैल्यू अभी हमने देखी थी 2.718 इस तरह की होती है, वैसे वैल्यू इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी फिजिक्स में। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि बेस e होता है तो उसको ln x लिखा जाता है।
चलो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले इनको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, लिखो क्या आएगा यहाँ पे, इनके आंसर्स लिखो अपनी नोटबुक में और चैट पे बताते जाना फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, ठीक है। ये रूल्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर किसी को कोई रूल की जरूरत पड़ती है तो शॉर्ट में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, खुद से एक बार करने की कोशिश करो, फिर हम देखेंगे और आपने कितने सही किए और कहाँ गलती की आपको भी समझ आएगी। तो चैट में मुझे बताओ फर्स्ट का, जैसे लॉग वन टू दी बेस टेन किसके बराबर होगा, और बोलो मतलब है ना, चैट का यूज करो, चैट पे बताओ या लिख के रख लो अपने आंसर्स, फिर मैं पूछूंगा तब आप बताना, और बताओ तो ऐसे बताना वन के आगे जीरो लिखना, जैसे अगर जीरो आंसर आ रहा है फर्स्ट का, जीरो ही आएगा मैं बता देता हूं, तो वन फिर आगे जीरो, जिससे समझ आए, क्योंकि आगे शुरू में तो आप एक आंसर बताओगे, बाद में मुझे समझ नहीं आएगा कौन से पार्ट का आंसर बता रहे, इसलिए इससे बताओ वन का ये आएगा, टू का ये आएगा, इस तरह से, ठीक है। स्नेहा आपका फर्स्ट का सही है, नहीं। दिव्या आप देखो लॉग वन टू दी बेस टेन है, मतलब टेन की क्या पावर लगाएं कि हमें वन मिले, तो वो पावर आंसर आएगा, तो टेन की कितनी पावर वन देगी। और ये देखोगे अगर जो रूल लिखा हुआ है, हमने उधर लिखा भी हुआ है लॉग, फर्स्ट रूल देखो उससे रिलेट करो, लॉग वन टू दी एनी बेस किसके बराबर होता है, स्नेहा आपका थर्ड का सही है, पार्थ फर्स्ट का एक बार दोबारा चेक करो, हाँ दिव्या अब आपका फर्स्ट का सही है, विशेष आपका भी सही है फर्स्ट का, दिव्या सेकंड का भी सही है, आर्यवीर फर्स्ट का सही है, सेकंड का बेटा गलत है, चेक करो, हाँ दिव्या आपका थर्ड का भी सही है, स्नेहा फोर्थ का सही है, दिव्या फोर्थ का आपका भी सही है, सब लोग आंसर करो है ना, क्योंकि बैठे नहीं रहना है, आप जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, खासकर फिजिक्स और मैथ तो बिल्कुल ही नहीं सीखोगे, ठीक है। तो जितना हम खुद से ट्राई करेंगे, गलती हो सकती है, गलती होना कोई गलत बात नहीं, हम गलती से भी सीखेंगे, तो इसलिए ट्राई करो, बैठे नहीं रहना है, ये नहीं कि कोई देखने वाला नहीं है तो हम बस बैठे हुए हैं और जैसे कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं, नहीं, यू हैव टू बी एक्टिव इन दी क्लास, इंटरेक्टिव इन दी क्लास, इंटरेक्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, डाउट पूछने हैं, तभी कुछ सीखोगे। ओशीन आपका भी फर्स्ट का सही है, स्नेहा, अच्छा ये जो सेवेंथ एट्थ वगैरह हैं इनमें आंसर नहीं निकालना, इनको ब्रेक करके लिखना है, जैसे लॉग 15 है तो उसको तोड़ के हमें जैसे लॉग m इंटू एन वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करके क्या लिख सकते हैं, लॉग 2.5 को m बाय n की फॉर्म के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इस तरह से उसको बस उतना लिखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है। 5 से नहीं, 7 ऑनवर्ड्स, 5 6 तक तो आप आंसर सीधे बता सकते हो, अप टू 6, 7 ऑनवर्ड्स आपको उसको वैसे लिखना है, आइडेंटिटीज 3 4 यूज करते हुए। ठीक है, और जहां पे कहीं भी बेस नहीं लगा हुआ है मतलब वहां पे बेस 10 है। ठीक है विशेष आपका 7th भी ठीक है, ठीक है, और करके भेजते रहो, फिर बाद में एक बार चेक कर लेना, बीच में अगर मैंने कोई मिस भी कर दिया हो तो आप अपने आप से चेक कर लेना जब मैं आंसर्स बताऊंगा कि आपके सही थे या गलत थे। ओशीन आपका थर्ड का सही है, दिव्या फोर्थ का सही है आपका, फोर्थ का नहीं मतलब 9th का, सॉरी,
नहीं आर भी जैसे 8 है वो लॉग बेस 10 तो है, 2.5 को जैसे हम क्या लिख सकते हैं 5/2, फिर उसको लॉग m बाय n वाली फॉर्म से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बताना है हमको। ln आपने जो बताया 9th का, उसमें देखो log 10 अभी हमने देखा log 10 किसके बराबर होता है 1, तो वो 1 से आप सीधे फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो क्या आंसर आएगा। तो विशेष ये आपका 8th का सही बताया आपने, पार्थ आपके 7th वाले का सही है। चलो सब लोग, कई लोग अभी भी बैठे हुए हैं आंसर्स नहीं दे रहे हैं, देखो थोड़ा सा शुरू से ही अगर ऐसे ढीले ढाले चलोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो एक्टिव बनो, उसमें क्या है लर्निंग करना है हमको, और जितना हम खुद से कोशिश करेंगे उतना ही सीखेंगे, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, और थोड़ा सा गलती करोगे तो और अच्छे से सीखोगे, क्योंकि जहां हम गलती करते हैं वो हमें और ज्यादा समय तक याद रहती है, हाँ यार ऐसी गलती हम कर सकते हैं, हमसे हो जाती है। हाँ स्नेहा आपका भी 8th का सही है, ओशीन आपका 4th का सही है, विशेष 9th का, हाँ ठीक है उसमें log 10 को हम 1 लिख सकते हैं तो डायरेक्ट आंसर फिर log 10 को 1 रख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। पार्थ का 8th वाला सही है, हाँ ln 9th का आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया है। ठीक है तो आयुष ध्वनित आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, पार्थ रॉनी समर्थ उज्जवल उन्नति विभोर श्रेयांग सब लोग आंसर्स करो, है ना, बैठे नहीं रहना। चलो अब मैं पूछूंगा तो फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा, हैंड रेस करो। चलो श्रेयांग आप बताओ पहले। जीरो करो, ठीक है तो सिंपल सा है, हमने देखा लॉग वन टू एनी बेस क्या होता है, जीरो होता है, तो लॉग वन टू एनी बेस क्यों, क्योंकि 10^0 = 1। चलो दिव्या आप सेकंड का बताओ। सर जीरो, जीरो है ना, हमने यही देखा कि लॉग वन एनी बेस, ln का मतलब क्या हो गया लॉग का बेस ई है, तो बेस कुछ भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, ठीक है ना, तो ln वन का मतलब क्या हो गया लॉग वन टू दी बेस ई। अब हमने क्या बताया लॉग अगर वन है बेस कुछ भी हो आंसर जीरो ही आएगा, बिकॉज एनी नंबर टू दी पावर जीरो इज वन, ठीक है। चलो आर्यवीर थर्ड का बताओ। वन, ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे वही log 10 टू दी बेस 10 है, तो अगर किसी नंबर का बेस सेम है तो हमेशा आंसर 1 आएगा, क्योंकि 10^1 10 के बराबर होता है। चलो रॉनी आप फोर्थ का बताओ। वन, गुड, तो यहाँ भी सेम चीज है log 5 टू दी बेस 5, सो आंसर इज 1। अच्छा ओशीन आप बताओ फिफ्थ वाले का। सर वन, वन सही है, गुड, ठीक है, क्योंकि लॉग कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहां भी बेस क्या है 10, ठीक है, तो लॉग में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यही लेना होता है हमें बेस 10 है, लॉग 10 टू दी बेस 10 सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन बस समझाने के लिए कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमें बेस 10 मान के चलना है। ऐसी सिक्स्थ वाले का ध्वनि आप बताओगे। जीरो, सिक्स्थ वाले का जीरो नहीं, गलत है, वन है, वन, वन, हाँ, क्योंकि ln e, ln e का मतलब भी क्या होता है log to the base e, तो log e to the base e, तो same number और same base है, तो वो 1 के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये था, अब log 15 में क्या करना था, बस हमें उसको ब्रेक करना था, तो log 15 को हम क्या लिख सकते हैं log 5 into 3,
विच इज इक्वल टू लॉग फाइव प्लस लॉग थ्री। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे हम इसको आइडेंटिटी को यूज करने का मतलब सीख रहे हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो जरूरत पड़ेगी तो log 15 कैन बी रिटन एज log 5 इंटू 3, दैट इज log 5 प्लस log 3। ऐसी log 2.5 है, इट वुड बी log 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि log 5 माइनस log 2। अच्छा, नाइन्थ का आंसर कौन बताएगा? सर सेवेंथ और एट्थ पर तो सॉल्व नहीं होगा। अभी ये क्वेश्चन आया था कि सेवेंथ और एट्थ फर्दर सॉल्व नहीं होगा, होगा लेकिन उसके लिए भी लॉग फाइव की वैल्यू, लॉग थ्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक तो इसके लिए लॉग टेबल होता है जिसमें ये वैल्यूज दी होती हैं, और अभी आगे हम देखेंगे लॉग टू और थ्री की वैल्यूज हमको याद रखनी है, जिससे हम काफी लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सारी तो हम याद नहीं रखते क्योंकि उसके लिए पूरा टेबल होता है, लेकिन लॉग टू और थ्री की आगे हम पढ़ेंगे जो याद रखनी है, तो उसका यूज करके हम कुछ लॉग्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और इनको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अभी हमने वो नहीं पढ़ा इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने यहीं पे छोड़ दिया, जस्ट आइडेंटिटी सीखने के लिए कि आइडेंटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और नाइन्थ वाले का आंसर फोर जो बताया था बिल्कुल सही बताया था। क्यों? अब हम लॉग 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 लॉग 10, और लॉग 10, 10 का मतलब वो बेस 10 है, लॉग 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, वैसे ही लॉग 5 टू द बेस 2 दिया हुआ है। अब जनरली बेस 2 में हमें चीजें नहीं मिलती या वैल्यूज नहीं पता होती, तो हम उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 5 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय लॉग 2 टू द बेस 10। अच्छा, 11th का आंसर कौन बताएगा? अगर एल एन बी, ये डायरेक्ट लॉग की डेफिनेशन ही, अगर एल एन बी सी के बराबर है तो बी किसके बराबर होगा? ई टू द पावर सी। e to the power c, very good। ठीक है, तो ln b मतलब log b का बेस e है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहां पर कि log b to the base e is equal to c, तो this implies b is equal to e raised to the power c। तो ये कुछ examples हैं जो हमने उन properties पे based देखे। अब आगे कुछ और चीजें देखेंगे और देखेंगे कैसे अब हम और वैल्यूज को निकाल सकते हैं। बाकी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एक बार 11 समझा दीजिए। 11, ठीक। देखो ये लॉग की डेफिनेशन ही ना बेटा, लॉग जैसे हमने देखा कुछ भी b टू द बेस a इज इक्वल टू c है। लॉग की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि a की पावर c जो है वो b के बराबर होगा, या उल्टा भी बोल दो b इज इक्वल टू a की पावर c होगा। ये लॉग की हमने डेफिनेशन ही देखी, दिस इज लॉग डेफिनेशन ऑफ लॉग। लॉग को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। तो अब क्या दे रखा है हमें? ln b इज इक्वल टू c। तो ln का मतलब क्या होता है? हमने देखा ln का मतलब लॉग का बेस e है, तो लॉग b टू द बेस e इज इक्वल टू c है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? b इज इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर c हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, चल तो आगे बढ़ते हैं। अब जो चीजें हमें रिमेंबर याद रखनी है, कुछ पहले हमने ऑलरेडी देख ली, तो एक जगह पे और समराइज कर दिया। तो वो फॉर्मूले जो हमने देखे थे, फॉर्मूले थे रूल्स, वो याद रखने हैं। और जो चीजें हमें याद रखनी है कि log 1 जीरो होता है, मतलब 1 का log चाहे कोई भी बेस हमेशा जीरो होता है, ln 1 भी जीरो होता है। ठीक है, log 2 की वैल्यू अब ये याद रखनी है, 0.301 ये log 2 की वैल्यू होती है, ये याद रखनी है। ठीक है, log 3 की वैल्यू 0.477 ये भी याद रखनी है। तो log 2 याद रखना है 0.301, log 3 याद रखना है 0.477। ठीक है, ये अभी हमने देखा log a टू दी बेस a, कोई भी नंबर उसका सेम बेस हमेशा 1 के बराबर होता है। देन लॉग ई टू दी बेस ई को एल एन ई बोलते हैं, तो ये भी सेम चीज हो गई कि सेम बेस सेम नंबर, तो ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। इसे लॉग 10 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक चीज जो ध्यान रखनी, कॉमनली यूज होता है कि लॉग 10 इज इक्वल टू 1 और एल एन ई इज इक्वल टू 1। अच्छा, कहीं पे एल एन एक्स है, तो एल एन एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? 2.303 लॉग एक्स। ये भी कई जगह पे फिजिक्स में काम आ जाता है, केमिस्ट्री में भी काम आ जाता है कि एल एन एक्स इसके बराबर होता है, 2.303 लॉग एक्स। तो इसको याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि ई की वैल्यू है, एक्चुअली
क्या होगा कि एल एन एक्स का मतलब क्या है, लॉग एक्स टू द बेस ई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द बेस 10 अपॉन लॉग ई टू द बेस 10। ये वाली जो टर्म है 1 अपॉन लॉग ई टू द बेस 10 फिर लॉग 10 मतलब एक्स टू द बेस 10, ये किसके बराबर आ जाती है, ये 2.303 के बराबर आ जाती है, तो 2.303 लॉग एक्स इस तरह से, ठीक है। तो ये याद रखना है बस डायरेक्टली, क्योंकि कई जगह पे यूज हो, ठीक है। तो एक मिनट, ये ln 2 है, ln 2 जो है किसके बराबर होगा, तो 2.303 log 2, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, तो ये किसके बराबर आ जाती है 0.693। तो ये भी कई जगह पे काम आता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो बाद में जब आएगा तब भी बताया जाएगा कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो अगर याद रहेगी तो अच्छी बात है। तो ln 2 इस 2, ln x क्या होता है 2.303 log x, हम इसको निकाल भी सकते हैं, तो 2.303 log 2 हो जाएगा, log 2 इज 0.301 अप्रोक्सीमेटली 0.3 मान ले, तो 33 जा 9 0, ठीक है, 33 जा 9 और 32 जा 6, तो इस तरह से 0.69, वैसे देखोगे तो 6901 आ जाएगा, और एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 0.693 के बराबर ये आएगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब log 2 और log 3 याद रखो, इससे हम और भी कई सारे logs निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो ये चाहो तो नोट कर ले, log 2 और log 3 की वैल्यू नोट कर लो, क्योंकि आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर याद कर सकते हो तो डायरेक्टली याद ही कर लो, नहीं तो लिख लो, जिससे प्रैक्टिस करते करते फिर याद हो जाएंगे, ठीक है। लिख लिया? यस सर। चलो तो कुछ आप प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब मान लो log 4 निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो log 4? अब देखो हमें, मैं अब इसको समझा देता हूं, हमें जो पता है उसका यूज करना, हमें क्या पता है, log 2 पता है, तो इस अब या तो इसको हम log 2 इंटू 2 लिख दें और फिर प्रोडक्ट वाला रूल लगा दें, या फिर ऐसे लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, तो इसमें वो वाली पावर लगा सकते हैं कि नंबर की पावर समथिंग, तो ये वाला यूज कर ले तो आ जाएगा, पावर बाहर आ जाती है 2 log 2, तो 2 log 2 इज 0.301, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.602, तो दिस इज द आंसर ऑफ log 4। तो ऐसे दिमाग लगाना है कि हमें क्या पता है, सिर्फ log 2 पता है, log 3 पता है। अब अगर कोई नंबर उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, रेशो में लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं, तो उससे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो log 2 हमें पता था, 3 पता था, अब log 2 से हमने log 4 भी आसानी से निकाल दिया। अब यहां से देख सकते हो कोई भी निकाल सकते हैं, 8 मतलब 2 की कोई भी पावर हो, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, सबका log हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से अपना दिमाग लगाना है आगे जो भी अब हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। चलो log 5 में दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। सर आंसर चैट में भेजना है ना? हाँ, चैट पे भेजना है आंसर्स। तो अगर तरीका भेजो तो पहले और अच्छा है कि log 5 को तुमने पहले क्या सोचा, जिससे कि आगे हम जब बढ़े तो हमें पता होगा हम सही रास्ते में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो क्या सोच क्या रहे हो, चलो कोई बताएगा कैसे सोचेंगे इसको? सर log 2 प्लस log 3, तो प्लस की तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती ना बेटा, log 2 into 3 is log 2 प्लस log 3, अगर log 2 प्लस 3 है तो उसको log 2 प्लस log 3 नहीं लिख सकते, तो 10 बाय 2, हाँ तो इसको हम 10 बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक जो अभी चीज आई उसको ध्यान रखना है, log a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b, ऐसी log a माइनस b इज नॉट इक्वल टू log a माइनस log b, log में अगर प्रोडक्ट की टर्म आ रही है तो वो एडिशन में जाती है, डिवीजन की आ रही है तो सब्ट्रैक्शन में जाती है,
तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बाय 2 लिख सकते हैं। अब log 10 भी हमें पता है, log 2 भी हमें पता है, उससे हम log 5 निकाल सकते हैं। चलो मैं इसको बता रहा हूं अब एक बार, अगर किसी को नहीं आया अभी भी तो देखे है ना, थोड़ा सा ध्यान दे। तो log 5 को हम लिख सकते हैं 10 बाय 2, तो log 10 माइनस log 2, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब log 10 इज 1, log 2 इज 0.301, तो 1 में से 0.301 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.699। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जिन्होंने भी आंसर बताया सबका सही था, तो यही चीज। बाकी देखो इनडायरेक्टली ये तो हमने लॉग निकाल लिया, बाकी इसका क्या मतलब है लॉग के हिसाब से, जैसे लॉग 4.602 आया, इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर में अगर 0.602 होगा तो वो चीज 4 के बराबर होगी। तो इनडायरेक्टली ये भी बता रहा है कि 10 की पावर कितनी हो कि आंसर 4 आए, तो 10 की पावर कितनी हो, 0.602 अगर 10 की पावर होगी तो आंसर 4 आए। ऐसी 10 की पावर अगर 0.699 होगी तो वो वैल्यू 5 के बराबर आएगी। ठीक है, तो लॉग का जो बेसिक मतलब डेफिनेशन है उसके आधार पे हम बात करें तो ये इसको भी सिग्निफाई कर रहा है कि 10 की कितनी पावर लेने पे आंसर 5 आएगा। तो अगर 10 की पावर 0.699 होगी तो दैट वुड बी इक्वल टू 5। चलो log 6 निकालो। चलो तो अब मैं बता रहा हूं, अगर किसी को नहीं आया समझ तो अभी देख ले दोबारा से। तो ये हो जाएगा log 6 can be written as log 2 into 3, तो which is equal to log 2 plus log 3। log 2 is 0.301, log 3 is 0.477, यह रहेगा 0.778। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो इस तरह से हम log 7 नहीं बता सकते क्योंकि 7 को ना तो हम 2 into 3 या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में लिख पाएंगे, तो log 7 नहीं बता सकते। ठीक है, हमें याद भी नहीं रखना, जरूरत पड़ेगी तो गिवन होगा। log 8 हम बता सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 को, 2 की पावर 3। हाँ देखो जिसको पावर में लिख सको ना उसको पावर में लिखो, ज्यादा आसान होता है। तो 8 देख को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो दैट वुड बी मोर इजियर। ठीक है, तो करो आप इसको सॉल्व। ठीक है, तो log 9 इज log 3 टू दी पावर 2, दिस कैन बी रिटन एज 2 log 3, तो 2 इंटू 0.477 यह रहेगा, 7 इंटू 2 इज 14, 7 इंटू 14 1 कैरी 15, 7 इंटू 2 into 4 is 8, 1 carry was there, so 0.954 is the answer. ठीक है, log 10 1 होता ही है, log 11 इससे नहीं निकाल सकते हम क्योंकि इसको इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, log 12 एक और निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे कई चीजें निकाल सकते हैं, बाकी log 12 तक अभी हम देख रहे हैं, log 15 निकाल लोगे, ठीक है ना, log 16 निकाल सकते हो ऐसे। चलो log 12 निकालो, बस तरीका हमें सीखना है, तो ऐसे कई सारे लॉग्स हम 2 और 3 की मदद से ही निकाल सकते हैं, 2, 3 और 10 का हमें पता ही है कि 1 होता है। लॉग 12 को अब देखो क्या करके निकाल सकते हैं, ठीक है, तो लॉग 12 को हम लिख सकते हैं लॉग 4 इंटू 3, ये आ गया लॉग 4। अब 4 को भी वैसे तो हमने 4 निकाला हुआ है तो उसका यूज कर सकते हैं, या 4 निकालने के लिए वही कर सकते हैं 2 की पावर 2 करके। ठीक है, तो अभी तो हमने 4 निकाला हुआ है तो उसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो log 4 इंटू log 3, तो log 4 इज 2 log 2, ऐसे ही उसको निकाला जा सकता है, तो दिस इज 0.602।
log 3 is 0.301. And after addition, we will get 0.9, sorry, log 3 likhna tha yahan pe, sorry, 477. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 and 2 is 9, then 7 and 0 is 7, 4 and 6 is 10, तो 1.079. दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 12. ठीक है, तो ऐसे हम और भी जैसे लॉग 15 हो गया, लॉग 16 हो गया, ठीक है, 18 को लिख सकते हैं 9 into 2, 20 को लिख सकते हैं, ऐसे कई सारे लॉग हम अगर 4 और मतलब 2 और 3 की मदद से निकाल सकते हैं. बाकी कुछ नहीं भी निकाल सकते हैं तो वो हमें या तो गिवन होंगे या फिर लॉग टेबल अगर देते हैं तो वहां से हम उनकी वैल्यूज देख सकते हैं. अब कुछ एक दो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं. जैसे मान लो ये दे दिया हमें लॉग 2 into 10 की पावर 3, तो इसका आंसर निकालो क्या आएगा, कैसे निकालोगे इसमें, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्या करेंगे बताओ. इसमें पहले क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले पहले प्रोडक्ट वाली फॉर्म्स को इसको एडिशन में लिख सकते हैं. बाकी देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लॉग जैसे कोई पावर वाला रूल कि 10 की पावर समथिंग है n, दिस कैन बी टर्न एज n log 10. अब log 10 इज 1 तो दिस इज इक्वल टू n. ठीक है, तो अगर log 10 की पावर कुछ भी है तो वो उस पावर के बराबर ही आ जाएगा. तो चलो इसको बत करके दिखाओ आंसर. अरे वाह, आंसर आने शुरू हो गए. दिव्या ने आंसर दे दिया है, सही है. आर रवीर का भी सही है. बाकी लोग भी अब आंसर निकालें. विशेष आपने मिस्टेक कर दिए कुछ. आप देखो इसको क्या करोगे, अब ये एक्चुअली दो चीजों का प्रोडक्ट है, 2 का और 10 की पावर 3 का. तो दिस कैन बी रिटन एज log 2 प्लस log 10 रेस्ट टू द पावर 3. अब log 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.301, और log 10 रेस्ट टू द पावर 3 कैन बी रिटन एज 3 log 10. अब log 10 क्या होता है, 1, क्योंकि बेस भी 10 है ये भी 10 है. तो दिस इज इक्वल टू 0.301 + 3. 3.301, दिस इज द आंसर. ठीक है, तो उन्नति और विशेष ने उसको 2 की पावर 3 जैसे निकाल दिया. वैसे नहीं करना है इसको, है ना, 2 की पावर 3 नहीं है ये, 2 into 10 की पावर 3. तो log 2 प्लस log 10 की पावर 3 लिख सकते हैं. तो log 2 की वैल्यू अलग से आ गई, log 10 की पावर 3 की वैल्यू 3 log 10 करके 3 आ गई, और दोनों को फिर ऐड कर. चल एक और क्वेश्चन करो. ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, इसमें ये हो जाएगा log 12 प्लस log 10 की पावर माइनस 3. ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस इनटू है तो प्लस आ जाएगा. अब log 12, तो 12 को निकालने के लिए वही, वैसे तो log 4 इंटू 3 करके निकाल सकते थे, मतलब ऑलरेडी हमने सीखा, तो वो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो अब हम उसको यूज कर लेते हैं. बाकी ये याद तो करना नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको वैसे ही निकाल सकते हैं. log 4 इंटू 3, फिर 4 को 2 की पावर 2 लिख के चलेगा 1.079. और देखो यहाँ पे पावर माइनस 3 है, तो ये माइनस 3 log 10 आ जाएगा. अरे ये भी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया log 10 की पावर n है तो सीधे n के बराबर आ जाता है, तो वो माइनस 3 आ जाएगा. 1.079 - 3, बस अब इसको सॉल्व करना है. तो 3 में से बेसिकली इसको माइनस कर दो, आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस ये आ जाएगा 1.921. तो दिस इज द आंसर, -1.921 ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं आंसर को. ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो कुछ, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है. हाँ सर. चलो ठीक है, तो इतना लॉग अगर हमें आएगा तो फिजिक्स के लिए सफिशियंट है, बल्कि मोर देन सफिशियंट है, हमारा काम हो जाएगा.
बाकी मैथ्स में आप लोग जब मैथ्स वाले जो भी स्टूडेंट हो लॉग पढ़ेंगे तो और मैथ्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी वो पढ़ेंगे, बाकी इतना लॉग हमारे लिए सफिशियंट है और इसको अच्छे से समझ के याद रखना है, जिससे कहीं पर भी हम जरूर जब फिजिक्स इसको यूज करेंगे लॉग को तो फिर हमें ये नहीं अरे ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये जो हम बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स में चीजें पढ़ते हैं ये हमारे लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए वैसी ही होनी चाहिए, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है, उसी तरह से ये एक पार्ट होगा हमारे फिजिक्स का, तो इसलिए इसको अच्छे से ये हमको आना चाहिए, जिससे कि हम इसको कहीं भी यूज करें तो उस कारण से हमें मतलब गलती ना हो जाए या नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है, तो बस आज की क्लास में यहीं पे हम लॉग वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ डाउट है कुछ कंफ्यूजन है पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे।